कोरोना की पहली और दूसरी लहर पुलिस महकमे के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रही। इन लहरों में काफी संख्या में पुलिस जवानों को खोने के बाद अब विभाग ने तीसरी लहर से निपटने को कमर कस ली है। संक्रमित पुलिस जवानों को इलाज की बेहतरीन सहूलियतें देने को अब पुलिस महकमा सूबे के हर जिले में कोविड केयर अस्पताल खोलेगा। ये अस्पताल पुलिस लाइन में तैयार किए जाएंगे। ये ऐलान रविवार को उत्तर प्रदेश के महानिदेशक मुकुल गोयल ने कोविड केयर अस्पताल के शुभारंभ के दौरान किया। कानपुर पुलिस लाइन में कोविड केयर अस्पताल का शुभारंभ करते हुए डीजीपी ने कोविड काल में कर्तव्य के लिए जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को याद भी किया। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर एक चुनौतीपूर्ण समय था। ये देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक चुनौती थी, जिसमें फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर अपनी आहुति दी। उन्होंने कहा कि हर कार्य के लिए सरकार से अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनके लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करते रहना चाहिए। ये अस्पताल पुलिस प्रशासन और जनता के सम्मिलित सहयोग का एक बेहतर उदाहरण है। आने वाले समय में अगर कोविड की लहर आती है तो अस्पताल पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लिए बड़ा सबल बनेगा। कहा कि अस्पताल और बड़ा बनेगा ताकि आने वाले समय में पुलिस कर्मियों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख न करना पड़े। डीजीपी ने कोविड केयर अस्पताल की स्थापना में मुख्य योगदान करने वाले मुथूट ग्रुप के संजय कुमार और टीम मीडिया एक्सपर्ट टीम के प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कानपुर पुलिस आयुक्त आशीम अरुण ने कहा कि बिल्डिंग बनाना लेकिन एक संस्था के रूप में वो काम करना बेहद मुश्किल कार्य है। कमिश्नरेट पुलिस ने ये एक पहल की है जिसमें पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और बेहतर होगा। ये प्रयास वामा सारथी अभियान के तहत किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रमिला पांडे, मंडला आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, डीएम आलोक तिवारी, एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर, आईजी कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल, अपर पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी व प्रकाश कुलहरी आदि मौजूद थे।